शनिवार बीती रात दीपक अग्रवाल नामक मोटर पार्ट्स व्यवसायी को गोली मारे जाने के विरोध में जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं व्यवसायियों के समर्थक में बागमारा विधायक ढुलो महतो भी पहुंचे और खुले मंच से उन्होंने राज्य सरकार और धनबाद एसएसपी को खूब खरी खोटे सुनाई। गंभीर आरोप लगाते हुए अपराध के लिए धनबाद पुलिस एवं राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आंदोलन में हर स्तर से समर्थन की बात करते हुए धनबाद एसएसपी को आड़े हाथों लिया और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर उनके कार्यकाल की जांच ईडी से कराने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि इतना अधिक अपराध और इतनी खराब विधि व्यवस्था पहले कभी नहीं हुई थी और ना ही इस तरह के ऐतिहासिक स्तर पर राष्ट्रीय संपत्ति कोयले की चोरी हुई थी। जेल से कैसे फोन आता है हर व्यवसाय को, हमें लगता है कि धनबाद में कोई सा व्यवसाय कोई सा दुकानदार नहीं है जिसके यहाँ फोन नहीं पहुँचा है माफिया गुंडा का। इसलिए पहुँचा है रंगदारी के लिए। जब इतना बड़ा बड़ा घटना, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों घटना इस तरह से होता है, एसपी अगर लायक नहीं है तो इसको तो हटा देना चाहिए सरकार को। मगर सरकार को तो यहाँ कोयला चोरी करवाना है, हत्या पर तो काबू लगाना नहीं है, क्रिमिनल पर को तो कोई काबू लगाना नहीं है, तो ऐसे एसएसपी रहने का एक मिनट लायक नहीं है। और इससे बड़ा भ्रष्ट एसएसपी तो धनबाद में कि पूरे झारखंड में पूरे देश में नहीं कहीं होगा। और हम क्यों देखें, हमने जब जब इनका विरोध किया तब तब इन्होंने हम पर झूठा मुकदमा करके कई कई महीना तक जेल में रखा। जब डीएसपी थे बाघमारा में उस समय भी झूठा केस करके हमको एक साल तक जेल में रखने का काम किया। मगर अब न्यायालय भी जान चुका है, कानून भी जान चुके हैं, सारे लोग जान चुके हैं कि इनका असली चेहरा चरित्र क्या है और किस लिए है। ऐसे एसएसपी को तो सारा जितना मर्डर हत्या हुआ है इस पर कहीं ना कहीं संलिप्तता है। इसका सीबीआई ईडी जांच हो, अगर सत्य नहीं पाया गया तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम आग्रह करना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि धनबाद का बड़ी बड़ी घटना, चाहे कोयला चोरी हो या हत्या हो या रंगदारी हो, इसका जांच ईडी सीबीआई बड़े एजेंसियों से हो ताकि इसका सच्चा चेहरा असली चेहरा सामने आ सके, जनता के सामने आ सके और सरकार का भी असली चेहरा सामने आ सके। जब सरकार के नेतृत्व में सरकार के नज़र में है कि धनबाद में इतनी बड़ी बड़ी हत्या हो रही है, घटना हो रही है, हर व्यवसाय को धमकी दिया जा रहा है, किसी का शोरूम में बम चलाया जा रहा है, किसी की दुकान में गोली चलाया जा रहा है, जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, कौन सा एसएसपी है भैया, कितना बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है, कितना उग्रवादियों को मारा है, कितना क्राइम कंट्रोल किया है, किसी को तीन साल दो साल से यहाँ पर रखा हुआ है, इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ लूटने लुटवाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, इससे बड़ा लुटेरा कोई है ही नहीं। अब सोचिए एसएसपी से डीआईजी में इसका प्रमोशन हो गया, उसके बाद भी नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि इसका लेवल का, इसका बराबरी का एसएसपी खोज रहा है। मगर सारे लोग इनके जैसे नहीं है, हर लोग ईमानदारी और देश के लिए भी करना चाहते हैं और करते हैं। मगर ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए, अपने जो इनको पोस्टिंग किया उनके लिए, अपने जेब भरने के लिए, मगर ऐसे लोग को बचना नहीं चाहिए। हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि इसका किसी भी तरह से धनबाद का जाँच, इनके पीरियड का जांच, सरकार के पीरियड का जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। नहीं तो जितने भ्रष्टाचारी देश में लोग छोटे छोटे फंसे हैं सारे लोग को मुक्त कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लाखों करोड़ों का कोयला यहां से चोरी हुआ, हमें लगता है करोड़ों करोड़ का यहाँ से जो व्यवसाय है दुकानदार उसे रंगदारी लिया गया है किसी न किसी माध्यम से। जब इतने व्यवसायों पर गोली चल रहा, बम चल रहा, लोग मारे जा रहे हैं और किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ लिपापोती करता है, अगर कोई बड़ा क्रिमिनल जो मार रहा है उसको नहीं पकड़ के छोटा को किसी को अननोन बना के भेज दे रहा है कि ये संलिप्तता ये है, संलिप्तता ये है। अरे दावा करते हैं कि हर महीने एक मेजर पकड़ते हैं, अरे उसका कितना मेजर, वही सबको मेजर पैदा किया है, जब से ये आया तभी मेजर पैदा किया है ये एसएसपी, जब से आया तब से मेजर पैदा किया, तब से क्राइम बढ़ा है। मैं दावे के साथ, हिम्मत है तो सामने आके बात करें, जनता के बीच में हम बात करेंगे, हम एक जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में बात करेंगे। वो सोचता है कि वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है, वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है, ये वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रहा है, वर्दी पहनकर क्राइम करवा रहा है, वर्दी पहनकर कोयला चोरी करवा रहा है, ये वर्दी पहनकर यहाँ क्राइम मर्डर करवा रहा है, सारा इनका देन है। विधायक ढुल्लो महतो का किस प्रकार समर्थन रहेगा व्यापारियों के साथ? अरे हम तो आप लोग देख रहे हैं कि कोई बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि भैया सिर्फ, और कोई लोग नहीं बोलता, आप हम बोलते हैं, हम तो दावे के साथ कर सकता है, जो बोलता है सोचिए या तो डरता है या तो उसको मिलता है। ढुल्लो महतो न डरता है न कभी किसी से दो नंबर का लेता है, सीना ठोक के अपना जमीन पर हम काम करते हैं।
बिना ठोक के काम करते हैं। हम एक व्यापारी व्यवसाय है, बनिया समाज से आते हैं और बनिया समाज समझ सकते हैं कि व्यापारी वर्ग के लोग ही होते हैं। हम लोग ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करते हैं और लोगों के लिए भी करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हम लोग कोई चोरी क्राइम और क्रिमिनल नहीं है। क्या देखिए एसएसपी का असली चेहरा आप लोगों ने देखा, अभी तक प्रिंस खान पकड़ा नहीं गया। एसएसपी का चेहरा आपने देखा कि लगातार जैसे आया तैसे देखा कि बोलने वाला कौन है, लड़ने वाला कौन है, इसका खुलेआम चुनौती देने वाला कौन है। तो ढुल्लू मत हो, जैसे आया तैसे सरकार का निर्देश आया, 15-20 मुकदमा झूठा मुकदमा करके हमको जेल भेजा। गोली कहाँ चल रहा, बम कहाँ चल रहा, कौन चला रहा, उसको पकड़ नहीं रहा। जो विधायक विरोध कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि विरोध कर रहा है, उसको किस तरह से जेल भेजा गया आपने देखा। मगर न्यायालय का भी नजर है, न्यायालय भी एक हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। न्यायालय के निर्णय से तो ये बढ़ के नहीं है, कानून से तो बढ़ के नहीं है। ये अपना वर्दी का गलत उपयोग करके किसी को गलत केस में फंसा सकता है मगर निर्णायक नहीं हो सकता है, सत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे गलत मानसिकता जो रखा हुआ है धनबाद को लूटने और अशांत करने के एसएसपी के द्वारा, इसका जवाब समय आने पर जरूर हम देंगे। और हम अमित शाह जी से भी हम लाइनअप कर रहे मिल रहे हैं, राज सिन्हा जी, राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। और इसका कार्यकाल जो इनके कार्यकाल रहा है उनका जांच सीबीआई ईडी से जरूर करवाएंगे। नहीं होगा तो हम तो आग्रह करेंगे कि अगर ऐसा जांच, ऐसा लूट धनबाद में जिस प्रकार से लूट हुआ, पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व में कहीं पे नहीं हुआ, पता कर लीजिए भैया। बीसीसीएल में जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था इतना तो चोरी करवा के प्रोडक्शन करवा रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी उसके घर के दरवाजे पर अभी देख लीजिएगा एसएसपी बंगले में कि अभी शाम के समय में सारा काला काला गाड़ी लगता है, चोरी का गाड़ी। जितना चोर क्रिमिनल लोग उसका गाड़ी अभी लगेगा, कोई व्यवसाय का नहीं लगता है, कोई ईमानदार आदमी के लिए नहीं लगता, कोई केस के लिए नहीं जाता, कोई बंटवारा के लिए नहीं जाता है, सारा चोरी का फैसला करता है। यहाँ से बंटवारा होता है, कौन खदान किसको डिपुट होगा। अभी आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिडिंग तो यहाँ से करवाता है, इसका बिडिंग होता है, इसका मुंह से बात जो होता है वही काम होता है, जिसको बिडिंग करना है, जिसको डिपुट करना है, जिसको ये करना है, सारा तो यहीं से खेल हो रहा है। और इसके एजेंट सारे होटल में बैठा हुआ जान रहे पैसा तसील करने के लिए। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पूरा धनबाद जान रहा है। अगर जो नहीं किए, नहीं दिए, ये जितना जो व्यवसाय लोग को धमकी मिल रहा है उसमें भी इसकी हिस्सेदारी है, ये तो जांच का विषय है। और हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, अगर सत्य नहीं निकला जांच कर ले, सीबीआई ईडी जांच कर ले। नहीं होगा मैं राजनीतिक से संन्यास लूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनौती भरे शब्दों में मैं सरकार को कह रहा हूँ। कोई नहीं पकड़ाएगा इससे। झारखंड का नंबर वन टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट नियर बिहारी लाल चौधरी, हरि मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली की अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर।